हमारी नेत्री मैडम हिना साहब हैं और यूथ के नेता हमारे ओसामा बाबू हैं, तो ये लोग निश्चित रूप से हमें चाहेंगे भी और कहीं ना कहीं मुझे चुनाव ये लोग जरूर लड़ाएंगे। आदमी को बिना असूल का कोई जीवन नहीं होता है। अब मैं एक असूल के साथ डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन की और उसी असूल के साथ उनके परिवार के साथ हमेशा बनी हूँ, बनी रहूंगी। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमारी स्क्रीन पर है सिवान का ये चर्चित चेहरा। जी हाँ, लीलावती गिरी जी हमारे साथ है। मैम स्वागत है हमारे चैनल में। और इस फैसले को जहाँ राजद की सदस्य हैना साहब ओसामा ने ली है, कैसे देखती है? आपके भी चैनल को बहुत बहुत स्वागत और श्रोतागौर को मेरा प्रणाम। मैं वहाँ जो मैडम हिना साहिब आए और हमारे यूथ आइकॉन ओसामा साहब ने सदस्यता ग्रहण किए और उन लोगों के आने से काफ़ी पार्टी में बहुत मजबूती आएगी। उन लोग को नहीं रहने से पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुआ था। विगत विधानसभा में चुनाव में ही देख लीजिए, उन लोगों ने सारे सीट सीमान का निकाल कर देने का काम किए थे। तो उन लोगों में तो इतना है कि काफ़ी उन लोगों के पास क्षमता है, पावर है, जनता उन लोगों को चाहती है और उन लोगों के सत्ता परिवर्तन करने का क्षमता उन लोगों में है। आपको लगता है कि सत्ता, ये गठजोड़ सत्ता परिवर्तन के लायक है बिहार में? सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। एक साये की तरह इस परिवार के साथ आपकी वफादारी बनी रही और बाहर इनको इनाम भी इसको लेके मिला है। साहबुद्दीन साहब जब थे तो जिला परिषद की अध्यक्ष भी ये थी। वर्तमान में एक लंबी पारी इस परिवार के साथ आपने गुजारी है, क्या लगता है कैसे मामला अचानक, पिछली लोकसभा में आप आरजेडी से आप ये परिवार नाराज था और अचानक फिर मिलना लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आदमी को बिना असूल का कोई जीवन नहीं होता है। मैं एक असूल के साथ डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन की और उसी असूल के साथ उनके परिवार के साथ हमेशा बनी हूँ, बनी रहूँगी। ये तो आपकी अपनी बात हुई, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक नेत्री होने के। देखिए, हर आदमी को जो राजनीति में पैर रखता है उसकी महत्वाकांक्षा रहती है। जनता की सेवा करना, विकास करना, लोगों के बीच आना जाना, लोगों के दुख दर्द में रहना, ये तो हर जो राजनीति में कदम रखते हैं उनकी आकांक्षाएं होती हैं। मेरी भी आकांक्षाएं हैं, मैं भी जनता की सेवा करना चाहती हूं, मैं भी एक बार विकास करके दिखाना चाहती हूं। जो कि जिला परिषद के चेयरमैन थी, वो विकास आज भी हम सारे लोग याद करते हैं, उस याद को फिर मैं ताज़ा करना चाहती हूं। मैं आकांक्षाएँ तो कहते हैं कि हमारी नेत्री मैडम हिना साहब हैं और यूथ के नेता हमारे ओसामा बाबू हैं, तो ये लोग निश्चित रूप से हमें चाहेंगे भी और कहीं ना कहीं मुझे चुनाव ये लोग जरूर लड़ाएंगे। आपको लगता है, अच्छा एक एक बात, सिवान की जनता, बिहार की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, काफ़ी करीबी रही, करीबी इतना कि चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी हिना साहब के साये की तरह उनके साथ रहीं और कल सदस्या के समय भी हिना साहब के साथ आप साये की तरह रहीं। जनता जानना चाहती है कि ये कैसे बना, कैसे आप लोगों ने तुरंत फैसला किया कि 10 से पुनर रूट जाना है सदस्यता में भी? यह तो मैडम का निर्णय था, बाबू का निर्णय था, उन लोग के निर्णय के साथ हमेशा थी हूँ और रहूँगी। कब मालूम चला? मुझे एक दिन पहले कॉल आया। क्या, किसने फ़ोन किया? मैडम ने फ़ोन किया, बाबू ने फ़ोन किया? मैडम ने फ़ोन किया। क्या क्या कहा? बाबू के द्वारा हमारे पटना से फोन आया कि हम लोग को मिलना है, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना है, 10 सर्कुलर रोड जाना है, हम लोग को चलना है, आप भी आइए। वो तो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, रहते हैं। मैम कुछ दिन आप पार्टी से अलग रहीं, हिना साहब के साथ रहीं, अब आप किस पार्टी में हैं? ये निजी सहयोग था कि आप उनके साथ आरजेडी में? आप भी नहीं, आरजेडी के साथ सदस्यता मैडम ली, मैं भी ली और हम लोग वफादारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और नेतृत्व परिवर्तन करने का काम करेंगे और मजबूती के साथ नेतृत्व परिवर्तन भी होगा। नेतृत्व पर, बिहार की नेतृत्व परिवर्तन की बात आपने कहा, सिवान के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही, किसके बारे में आपने कहा नेतृत्व? हमने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा
सभी लोग हमारे जीत कर आएंगे और हमारे तेजस्वी जी, मान्य तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे सभी लोग। एक अंतिम सवाल होगा, सिवान में सब कुछ बिखरा है, क्या उसमें एक बड़ी अहम भूमिका आपकी रहेगी? देखिए हम लोग एमवाई समीकरण की बात करें, देखिए हम इना मैडम के साथ हैं और मैडम के निर्णय के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे।